हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी PT 365 की इकोनॉमी की मैगजीन स्टार्ट करी थी, तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ। बाकी धीरे धीरे हम इसे कंप्लीट कर देंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अभी क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो दो ऑफिस को मर्ज करेगी। कौन कौन से? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और किसके अंडर होगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस को बनाएंगे उसमें क्या है। इसको हेड किया जाएगा डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा जितने भी लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज होते हैं उन्हें कंडक्ट कराएगा। जो ये मेनली जो डाटा है वो कलेक्ट कहाँ से करेगा? नेशन हाउस होल्ड सर्वे से, वेरियस इकोनॉमिक सब्जेक्ट जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, इन सर्विस के अलावा जो NSO डाटा कलेक्ट करेगा रूरल और अर्बन प्राइसेस का, मतलब किस तरह जो आप अपने क्रॉप के स्टेटिस्टिक्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा? सुपरविज़न रखेगा, पूरा मॉनिटर करेगा कि किस एरिया में, किस स्टेट एजेंसीज में कितना कितना मतलब क्रॉप को एस्टिमेशन हो रहा है, उन सब के सर्वे वो करेगा। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है इसके 4 डिवीजन होंगे। एक तो सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न होगा, एक फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न होगा, एक डाटा प्रोसेसिंग डिवीज़न होगा, एंड फोर्थ होगा सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। गाइस, तो ये आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का आपको पता होना चाहिए कि हेड किसके द्वारा करेगा और वो किस मिनिस्ट्री का अंडर होगा। डिवीजन्स के बारे में भी हल्का सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइस, इकोनॉमी में ना आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। जहाँ पे बेसिक टर्म्स आएंगी मैं उसको पूरा अपना ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई लगती है कि मैंने नहीं समझाई तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का उसे समझाऊँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, अभी गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे हैं कि कुछ ड्राफ्ट, मतलब कि कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिल में, जिसका एम यही है कि ताकि हम जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसे क्या कर सकें, हम एम्पावर कर सकें ताकि वो कंट्री की एक नोडल एजेंसी बन सके फॉर ऑल द कोर स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा सर्वेस करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनका जो है ना वो एक नोडल बॉडी बन जाएगी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये सब क्या करेगी? वो मेज़र करेगी। तो इसके क्या क्या प्रोविजंस होंगे, जो कंपोजिशन क्या होगी, ठीक है, क्या इसका इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा, क्या इसका स्टैटिस्टिकल ऑडिट होगा, इसके बारे में इस ड्राफ्ट में सब कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जरा देख लेते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है क्या। पहली बात, ये एडवाइजरी बॉडी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे स्टैचुटरी बॉडी लगा देंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लगा देंगे, तो ये गलत है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडवाइजरी बॉडी है ऑन ऑल द स्टैटिस्टिकल मैटर्स, लेकिन जो इसके सजेशन हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके सजेशन क्या बाइंडिंग होते हैं या ओनली रिकमेंडेटरी नेचर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है ये 2005 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवराजन कमीशन। इसमें क्या है, एक इंटरिम मेजर, इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, हमने टेम्परेरी रूप में हमने रंगारंजन कमीशन की रिकमेंडेशन भी इसे सेटअप किया था। ये क्या करती है, लेकिन इसके पास क्या कोई लॉ नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, जिस वजह से जो इसके काम है या जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है कहीं ना कहीं इसको चैलेंज मिलता है। अब देख लेते हैं क्या क्या जो इसके स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स में जैसे GDP हो गया, जॉब स्किल रिलेटेड डाटा हो गया, इंडस्ट्रियल डाटा, बजटरी ट्रांजेक्शन डाटा, तो इन सबको क्या करती है, ये इंक्लूड करती है। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, इसमें एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन होता है जो कि एमिनेंट स्टैटिशियन हो या कि सोशल साइंटिस्ट रह चुका हो। 4 इसमें पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि नीति आयोग के होते हैं, जो वो एक एज अ एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, और चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होते हैं इसके सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये आपको मेनली आपको ये पता होना चाहिए हेड किसके द्वारा की जाती है कोई भी कमीशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑफिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th इकोनॉमिक सेंसस, अभी क्या दिल्ली 26 स्टेट बनाए हैं जहाँ पे ये सर्वे अभी लॉन्च हुआ है, जबकि ये जो प्रोसेस है जून 2019 से ऑलरेडी 20 स्टेट्स और 5 यूटीज़ में ये चल रही है। अभी देख लेते हैं, पहली बार है जो IT बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ यूजिंग डाटा। अभी क्या कर रहे हैं हम, डाटा को कैप्चर करने के लिए, डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या होगा, इससे एक्यूरेसी हाई होगी, हमारी डाटा की सिक्योरिटी होगी। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ टाइड अप किया और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ भी टाइड अप किया, ताकि किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर। जो प्रोसेस है इकोनॉमिक सेंसस की वो सबसे पहली बार 1978 में हुई थी। जो प्रेजेंटली जो सेंसर होएगा वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डिसएग्रीगेटेड, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ग्रास रूट लेवल की भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। जो भी हमारी कंट्री में एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि
कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किस तरह से वहाँ ऑपरेशन आ रहा है, क्या उनका स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट है, स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट मतलब कि क्या कितने उसमें मेंबर्स हैं या किस फॉर्म में वो बनी हुई है, क्या पार्टनरशिप है, ये सब का हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सेंसस है वो हमें प्रोवाइड करेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, किस ज्योग्राफी का मतलब कि किस लोकेशन में क्या ज्योग्राफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है, मतलब कहाँ कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर है तो किस क्या क्रॉप वहाँ पे ज़्यादा उगाई जा रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगा। ओनरशिप पैटर्न चीज़ किया भी ये पब्लिक में है, पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की है या फिर दोनों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई कंपनी, ये बताएगा। पर्सन एंगेज एक्सेट्रा, पर्सन एंगेज मतलब कितने पर्सन हैं, अगर हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, फॉर्मल वे में है, इनफॉर्मल वे में, तो इन सब की सब इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा जो भी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मेजर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है वो कौन कौन से डाटा क्या करता है, कलेक्ट करता है या फिर पब्लिश करता है या रिलीज़ करता है। जैसे GDP हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ये ऑलरेडी तीन इंडिकेटर्स पे मैं आपको पहले बता गई थी, माइनिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और मैन्युफैक्चरिंग पे क्या करता है ये डिपेंड होता है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, जेंडर स्टैटिस्टिक्स, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन ऑफिशियल सेटिंग। तो ये कुछ डाटा है जो कि CSO के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। अब देखो नेशनल सैम्पल जो सर्वे ऑफिस है ये मेनली एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट डाटा या फिर पॉवर्टी के जो डाटा हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। देख लेते हैं जो प्राइमरी डाटा है ये नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे करता है, किस पे वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ऑल्सो कलेक्ट डाटा ऑन रूरल एंड अर्बन प्राइसेस और क्रॉप स्टैटिस्टिक्स। अब देख लेते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अभी क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उसने एक 28 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी क्या करी है, कॉन्स्टिट्यूट करी है। देखो गाइस दो तरह की कमेटी होती है पार्लियामेंट में, ये आपको भी पता होना चाहिए, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट इन नेचर है, जो हर साल बनाई ही जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की ही जाती है, जबकि एडहॉक कमेटीज़ क्या होती हैं, टेम्परेरी इन नेचर होती हैं, जब हमें लगता है कि ज़रूरत है तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं और जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो उसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, किस पे, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पे। इसमें कितने मेंबर होंगे, 28 मेंबर होंगे और इसे कौन हेड करेगा, प्रणब सेन, ताकि जो हमारी डाटा की क्वालिटी है हम उसे इम्प्रूव कर सकें। इसके अंदर क्या करना है, हमने जो पहले चार स्टैंडिंग कमिटीज अलग अलग काम के लिए बनाते थे, अब हमने क्या करा है उस चार स्टैंडिंग कमिटीज़ को मर्ज करके एक एक कमेटी बना दी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, वो इन चारों पे काम करेगी। देख लेते हैं पहले जो चार कमेटी थी वो कौन कौन सी थी, एक लेबर फोर्स की अलग होती थी, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स की अलग होती थी, सर्विस सेक्टर की अलग होती थी एंड एक अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज अलग होती थी। ठीक है, इसके अंदर 27 मेंबर्स होंगे जिसमें इंक्लूडिंग एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो सब होंगे। ठीक है, ये रिव्यू करेगा कि अभी क्या फ्रेमवर्क चल रहा है डाटा सोर्सेज का, इंडिकेटर द डेफिनेशन ऑफ IIP, पीरियोडिक लेबर सर्वे, इन सबको जो अभी एग्जिस्टिंग में चल रहा है इन सबको क्या करेगा, ये मोनिटर करेगा, टाइम यू सर्वे, इकोनॉमिक सेंसस एंड रूल। ठीक है, कमेटी को हमने इसलिए कंस्टिट्यूट किया गया ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ डाटा है वो इंप्रूव हो सके और जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी हमारी अच्छी हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेरोल रिपोर्टिंग। देखो पेरोल डाटा है किसका, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। हमने देखा है कि नवंबर में 19.62 लाख न्यू लोग क्या हुए, इसमें ऐड हुए। अब ये क्या होता है, देखो अप्रैल 2018 में नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स लिया था फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में लिया था अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप एंड द जेंडर। ठीक है, कि किस किस एज ग्रुप में और क्या उन मतलब मेल है फीमेल है, उनका डिफरेंट डिफरेंट डाटा लिया था कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं उन्होंने कौन सी एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो फंड में किस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ। तो इन्होंने क्या है कि जो मेनली जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने तीन स्कीम्स में मेनली क्या किया हुआ है, अपने आप को सब्सक्राइब किया हुआ, मतलब कि सब ने अलग अलग। ठीक है, किसी ने तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में किया हुआ है स्कीम में, किसी ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में किया हुआ या फिर किसी ने नेशनल पेंशन स्कीम में किया हुआ, मतलब कि इन तीन स्कीम्स में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट देती है कि डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर एंड डज नॉट मेजर द एम्प्लॉयमेंट एट अ होलिस्टिक लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2017-18 NSO। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने डिसाइड किया है कि वो इस साल सर्वे रिलीज नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास डाटा क्वालिटी के क्या इश्यूज हैं। ठीक है, जो ये सर्वे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है वो हर 5 साल में एक बार करती है,
फिलहाल वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जो उसके पास डाटा की क्वालिटी के इश्यूज़ हैं। बाकी देख लेते हैं जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हैं वो क्या एस्टिमेट करता है कि पर कैपिटा हाउस होल्ड की मंथली क्या एक्सपेंडिचर है, मतलब कि एक घर में रहने वाले अगर सपोज़ करो 5 लोग हैं तो उसमें से एक बंदा एक महीने में कितना एक्सपेंस करता है फूड में भी और नॉन फूड एक्टिविटीज़ में, ठीक है, और क्या मेजर करते हैं एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड द पर्सन ओवर द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्लासेस, ठीक है। उस तरह से हम क्या करेंगे लोगों को क्या करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हाँ ये लाइक इस ग्रुप में आता है ये इस ग्रुप में आता है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे इन्हें क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे एक्चुअली में हम करते क्या हैं, उसमें हम यही करते हैं कि मंथली देखते हैं कि किस हाउस होल्ड में एक बंदे पे कितना एक बंदा क्या कहते हैं कितना एक्सपेंस कर रहा है किस पे, फूड और नॉन फूड एक्टिविटीज़ पे। चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं GST का। देखो अभी क्या हुआ है, हमने देखा है जो GST नेटवर्क में 66.79 लाख न्यू डीलर्स को रजिस्टर्ड किया गया अंडर द GST टैक्स GST नेटवर्क। इस वजह से जो GST नेटवर्क ने डिसाइड किया कि वो आधार ऑथेंटिफिकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी कराएगी जो न्यू डीलर्स आए हैं, जो 1 जनवरी 2020 से जो नए डीलर्स ने मतलब कि ज्वाइन किए हैं GST में रजिस्टर किए हैं उनको क्या करेगा आधार के साथ आपको अपने आप को लिंक करना पड़ेगा ताकि हम माल प्रैक्टिसेस को चेक कर सकें। GST क्या है आपको पता है, GST इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, जो लगता किसी और पे है और भुगतान से कोई और करता है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों है, डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कि जो एंड में फाइनली जो कंज्यूमर खरीदता है उसी पे वो टैक्स लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो इंटरमीडिएटरी जिस पे भी टैक्स लगता है वो आगे आते क्या रहता है शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो यही है GST के डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है और ये फाइनल कंजप्शन पॉइंट पे क्या कर रहा है लिया जाता है। GST के अंदर 7 इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हुए थे, आपको पता होगा जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा, ये सब सेपरेट हुए थे। कुछ टैक्सेस थे जो इसके अंदर नहीं सबसम्ड हुए थे, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वैट ऑन अल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब इसके अंदर GST के अंदर सबसम नहीं हुए थे। GST अभी प्रोडक्ट पे जिन पे नहीं लगता, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता, अल्कोहल पे नहीं लगता, रियल इस्टेट पे नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता, और 4 स्लैब्स में है 5%, 12%, 18% और 28% पे, जो मोस्टली हमारे जो डेली उसके आर्टिकल्स हैं उन पे 0 GST लगता है, ठीक है। जबकि जो लग्जरी हमारे आइटम जैसे ऑटोमोबाइल्स मतलब कि मेनली कार्स, स्कूटर्स, इन सब पे, या लग्जरी आइटम या जो डीमेरिट गुड्स हैं या सीन गुड्स हैं उन पे क्या करता है एक्सेस लिया जाता है, मतलब कि टैक्स पे टैक्स लिया जाता है ऑटोमोबाइल लग्जरी आइटम से, इसलिए ताकि इन इक्वालिटीज़ को हम मतलब कि कम कर सकें, और डीमेरिट और सीन गुड्स पे इसलिए ताकि हम ऐसी चीज़ों को क्या कर सकें मतलब कि डीमोटिवेट कर सकें, कि ताकि लोग इनसे मतलब कि ये इनका कंजप्शन ना करें। जो GST आपको पता ही है 1 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। GST की कलेक्शन देखा गया है 6% बढ़ी है, 1 लाख करोड़ हो चुकी है नवंबर में, लेकिन फिर हमने देखा था मतलब कि जब ये जुलाई में शुरू हुआ था और नवंबर तक के 1 लाख करोड़ हमारे पास इकट्ठे हो गए थे, लेकिन हमने देखा था सितंबर 2018 में GST की कलेक्शन 2.7% गिर गई थी, फिर अक्टूबर में 5.3% गिर गई थी। अब इस वजह से जो सेंटर ने हर स्टेट को लिखा क्योंकि हमारे पास अब GST कम कलेक्ट हो रहा है तो कंपनसेशन जो सेस आपको दिया जाएगा वो जो स्टेट अब लॉस को भुगत रही हैं उनको शायद वो कंपनसेट नहीं कर पाए। तो गाइस कंपनसेशन सेस क्या है, अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको नहीं पता होगा। कंपनसेशन सेस क्या होता है, जब जुलाई में GST लॉन्च हुआ था तो स्टेट्स को क्या था कि GST के इम्प्लीमेंट होने की वजह से कुछ रेवेन्यू में लॉस होना था, तो 5 साल के लिए सेंटर ने बोला कि ठीक है हम 5 साल तक आपको कंपनसेशन सेस देंगे, GST का कंपनसेशन सेस देंगे, ठीक है। तो वही उन्हें दिया जाता है ताकि जो GST का जो टैक्स का लॉस, टैक्स रेवेन्यू का लॉस स्टेट्स ने मतलब कि भुगता है वो उन्हें कंपेंसेट कर लें, ठीक है। तो ये कंपनसेशन सेस मेनली किस पे लगता है, लग्जरी या सीन गुड्स पे लगता है, ठीक है। ये पहले 5 साल लगेगा जब से GST इंप्लीमेंट हुए, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो, GST कौन से लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, GST कौन से, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A में है, ये रिकमेंड देती है यूनियंस और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी इशू जो कि GST से रिलेटेड हो, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GST कौन से, इसको चेयर किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे आपको हमेशा फंसाएगा कि किसके द्वारा चेयर किया जाता है, और कुछ अदर मेंबर्स जैसे यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑसम, जो भी काउंसिल का डिसीजन होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 वेट से इनको लिया जाता है, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट होती है वो 1/3 होती है, ठीक है, 1/3 सेंट्रल की वोट होती है, और जबकि ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स की वोट कितनी होती है 2/3,
ठीक है, ये ऑल स्टेट्स हैं और ये किसकी है, ये स्टेट की है, सॉरी सेंटर की है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी है डिसीजन लेते हैं, इस हिसाब से हम वोटिंग का पैटर्न रखते हैं। जो 38th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, वो अभी कंक्लूड किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हुई थी। इसमें क्या था कि जो सिंगल रेट है जीएसटी का 28% का, बोथ स्टोर स्टेट रन एंड द स्टेट ऑथराइज लॉटरी, उसको लिवाई करने की बात कर रही है। मतलब कि क्या है कि एक दो तरह की लॉटरीज चलती हैं, एक स्टेट रन, एक होती है स्टेट अथॉरिटी। अभी जो है ना, दो अलग अलग रेट हैं, जो स्टेट रन के हैं उन पे 12% जीएसटी लगता है और जो स्टेट ऑथराइज है उस पे 28% है। तो अभी बात हो रही है कि दोनों पे कितना 28% लग जाना चाहिए, सिंगल रेट होना चाहिए, ठीक है। तो काउंसिल ने पहले टाइम इसमें फीस के फेवर में वेट करेगी, हाँ ठीक है, सिंगल रेट लगना चाहिए, ठीक है। तो यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। टिपिकली जो जीएसटी है वो कौन पे करता है, जो भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लायर है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो टैक्स होता है ना वो उल्टा हो जाता है, मतलब कि उल्टा बायर को पे करना जाता है, तो इसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। ये सिर्फ कुछ सर्टेन इंस्टांसेस पे लगता है, जैसे जब हम ऐसे बिजनेस से वैन बिजनेस बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू पे जीएसटी और इन केसेस ऑफ इम्पोर्ट के मामले में, या फिर ऐसे बिजनेसेस जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है उन पे। अभी ई वे बिल क्या होता है, देखो ई वे बिल क्या होता है मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। कोई भी माल जब 50,000 से ऊपर की रकम हो जिस माल की, अगर आपको उसे दूसरी जगह भेजना है और उसमें डिस्टेंस 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, तो क्या है बीच में ई वे बिल आपको कैरी करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो आप पे क्या लगता है, फ़ाइन पड़ सकता है या उसको क्या कर सकता है, इलीगल वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ई वे बिल आपको इसमें साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। तो ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक पर्सन को अपने साथ कैरी रखना पड़ता है, ऑफ द कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यूज एक्सेडिंग, मतलब जिसकी रकम 50,000 से ऊपर हो, बियॉन्ड 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर उसे जाना हो, तो उसे ई वे बिल अपने साथ कैरी करना पड़ता है। ये ई वे बिल कहाँ से जनरेट होता है, जीएसटी कॉमन पोर्टल से जनरेट होता है, और ये रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे होता है या ट्रांसपोर्टर के नाम से, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कंसाइनमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। कंपनसेशन से मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ये एक इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि हम स्टेट्स को रिलीफ दे सकें, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जीएसटी का उसकी वजह से जो स्टेट अपने रेवेन्यूज को लॉस कर रही हैं उनको कंपेंसेट करने के लिए हमने ये रिलीफ दिया था स्टेट्स को। जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 16 इज़ कंसिडर्ड एज द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस 14% ग्रोथ। जो कलेक्टेड कंपनसेशन सेस होता है वो पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे जो जीएसटी कंपनसेशन अकाउंट है उसको क्रिएट किया जाता है। अब देखो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या है, देखो ये यही काम करती है। देखो पहले देख लेते हैं, जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सेंट्रल गुड्स एंड जीएसटी टैक्स अंदर 2017 के अंडर सेक्शन 171 का। तो वो यही करती है, सपोज करो किसी आइटम पे 10% टैक्स लग रहा है, अब इसका टैक्स घट के 5% हो गया, सॉरी हम जीएसटी की रेंज लेते हैं ना कोई भी, किसी पे 18% टैक्स लग रहा है, अब इसका टैक्स घट के हो गया 5%, मतलब कि अब कितना 13% घट गया ना। तो वो यही चाह रहा है कि अब क्या करें, वो आगे जो कंज्यूमर को बेच रहे हैं ना उसे भी क्या करें, ऐसे घटा के ही भेजें। मतलब कि ये नहीं है कि जो ऊपर से ऑर्डर आ गया घटाने के, आपको तो वो घट मतलब कि कम कीमत मिले, लेकिन आप आगे बढ़ा के भेज रहे हो, तो ये नहीं कि आप प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते। तो ये अथॉरिटी के इसी चीज़ को चेक करती है। इट इज़ टू इंश्योर दैट द जो रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स और द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज पास्ड ऑन, मतलब उसको पास किया जाए, जो भी टैक्स में कट हुआ है उसके बेनिफिट को पास किया जाए दूसरे रेसिपेंट को, बाय द वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन प्राइस, उस प्राइस का, उस गुड्स का प्राइस को रिड्यूस करके, ठीक है। सबका विश्वास एक लास्ट में देख लेते हैं, रिसेंटली क्या हुआ, सबका विश्वास लीजिए से डिस्प्यूट हुआ था रिजोल्यूशन स्कीम 219, उसको रिनोटिफाई किया। देखो जो सबका विश्वास लीजिए से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम का मकसद क्या है, ये यही हुआ था ताकि जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं किस किस के बीच में, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज, देखो सर्विस टैक्स आपको पता है, आप कोई सर्विस देते हो तो वहाँ से आप सर्विस टैक्स देते हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो उस पे क्या करते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो इसका एम यही था ताकि जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड, उसे हम जो कि अब जीएसटी में सबसम हो चुके हैं, उन डिस्प्यूट्स को क्या हम सेटल कर सकें, ठीक है। अभी इसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं स्कीम के अंदर, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एक एमनेस्टी। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कंपोनेंट है इसका एम यही है कि जो भी सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं जो कि जीएसटी में सबसम हो चुके थे या पेंडिंग हैं, उन्हें क्या करा जाए, जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, निपटाया जाए।
एमनेस्टी कंपोनेंट का है कि कुछ राहत दे देना, एमनेस्टी कंपोनेंट में यही है कि टैक्स पेयर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दे देना कि भी हाँ यार तुम ऊपर ऊपर का जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है उसे पे कर दो, बाकी और जो लोग के अंडर जो कॉन्सिक्वेंसेस उनसे उन्हें फ्री कर देना, ठीक है। तो इसी तरह से है जो ये सबका लीजेसी हम विश्वास लीजेसी लेके आए थे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू गाइस।